अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने डी आर वाई कर स्टिकर्स। तो मैं बनाने जा रही थी इमोजी स्टिकर्स। तो इमोजी स्टिकर्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसको पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था ताकि ये इजीली जो है हम इससे आउटलाइनिंग कर सकें। तो अभी मैं ब्लैक पेंसिल कर रही हूँ इसकी आउटलाइनिंग। वैसे तो हमने नॉर्मली बाज़ार के स्टिकर्स और दूसरे स्टिकर्स तो ट्राई किए ही हैं, बट आज हम ट्राई करने जा रहे हैं मोर अट्रैक्टिव थिंग, यानी अपने डी आर वाई किए हुए स्टिकर्स। अपनी चीज़ जो बनाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, उसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसलिए आज मैं अपनी ड्राइवाई करी थी स्टिकर्स। जब तक मैं कर रही थी आउटलाइन तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, आई शुड बी वेरी थैंकफुल टू यू। तो अभी ना हम इसको आउटलाइन कर रहे हैं, तो आउटलाइन करने के बाद हम करेंगे इसमें कलरिंग। दोस्तों अब जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो मैं लाने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी स्टिकर्स पर। तो अगर आप लोगों को स्ट्रॉबेरी स्टिकर्स की वीडियो देखनी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वो वीडियो देखनी है। तो कल इंशाल्लाह आप लोग मेरे चैनल पर आकर वो वीडियो देख लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को और भी वीडियोस देखनी है तो जाकर मेरे चैनल पर, और भी मैंने बहुत सारे डी आर वाई क्रिएशन किए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो मैंने सारे जो स्टिकर्स हैं ना वो इमोजी के बनाए हैं। वैसे तो हमने बाहर के स्टिकर बहुत ज़्यादा ट्राई किए हैं, तो आज हम ट्राई करेंगे अपने बनाए हुए स्टिकर्स। तो मैं ना अभी सारों को आउटलाइन कर रही थी अगेन ब्लैक पॉइंटर से ताकि ये अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए, एंड उसके बाद हम करेंगे डिफरेंट मार्कर्स से इनकी कलरिंग। तो अभी जो है ये देखें, मैं सारे इमोजीज जो हैं वो ट्राई कर रही हूँ, इमोजीज जो हैं वो मैं अच्छे तरीके से कर रही थी आउटलाइन। तो अभी ये लास्ट इमोजी है मेरा जिसको मैंने आउटलाइन कर लिया है, और अब इसके बाद जो चीज़ मैं यूज़ करूँगी वो है मार्कर्स। तो डिफरेंट मार्कर्स का यूज़ करके मैं करूँगी इसको कलर। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने यूज़ किया है रेड मार्कर का, और रेड मार्कर से मैं करूँगी यहाँ पर कलर। तो फर्स्ट वाले इमोजी के में मैंने रेड कलर का यूज़ किया है, एंड उसके बाद सेकंड में यूज़ करती हूँ ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो इमोजीज़ में कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है, ब्लैक एंड येलो कलर चूँकि इमोजीज़ में बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो अब इंशाल्लाह हम कोई और वीडियो में ब्लैक और रेड को छोड़ कर, यानी कि ब्लैक और येलो को छोड़कर किसी और कलर पर डिपेंडेंटली इमोजेस बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। लाइक पिंक पे बनाएं, येलो पे बनाएं, किस पे बनाएं आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी जो है ना मैं तो यूजुअली वही कलर्स यूज़ कर रही हूँ जिनमें इमोजी होते हैं, बट हम गर्ल्स के मुताबिक बनाएंगे, यानी लाइक पिंक कलर का यूज़ करेंगे, रेड कलर का यूज़ करेंगे। तो अभी मैंने सारे कलर्स को यूज़ कर लिया था, यानी कि ब्लैक को भी कर लिया था, रेड को भी कर लिया था, एंड नाउ लास्ट कलर का मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन रेड, और उसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ स्काई ब्लू, क्योंकि स्काई कलर जो है ना वो यहाँ पर यूज़ करना, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर, यानी कि हमारा जो स्टिकर शीट है वो रेडी हो चुकी है। तो अभी स्टिकर शीट रेडी हो चुकी है, अब हम करेंगे इसके अंदर कलर्स। तो मैं यूज़ कर रही थी येलो कलर का इसको कलर करके, तो मैंने कर लिया था कलर। अब चलाइए दूसरे सालों में भी करते हैं कलर्स और इसको बनाते हैं इमोजेस। तो हमने कर लिया है सारों में कलर। तो लुक एट दिस, मैंने सब में कलर कर लिया है। नाउ फाइनली हमारी फाइनल लुक रेडी हो चुकी है, बट अभी तक हमने इसको स्टिकर्स कहा है तो स्टिकर तो करना ही पड़ेगा ना। तो विदाउट डबल साइड टेप स्टिकर हम बना रहे हैं, तो जिसके लिए मैं कर रही हूँ सबसे पहले स्टिकर शीट के ऊपर विदाउट डबल साइड टेप बना रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर स्टिक कर रही हूँ नॉर्मल टेप, यानी एडहेसिव टेप पे यूज़ कर रही हूँ, जिसे पैकेजिंग टेप भी कहा जाता है। तो मैं उसका यूज़ कर रही थी इसको स्टिकर्स की शक्ल देने के लिए, स्टिकर की शेप देने के लिए, ताकि ये वाटरप्रूफ भी लगे और थोड़े से अच्छे भी लगें। तो उसके बाद मैंने सारे आउटलाइनिंग इसको कट कर लिया था, यानी जो एक्स्ट्रा टेप थी मैंने सारी कट कर ली है। अब उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ADX वाइट क्राफ्ट ग्लू। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर लो नॉर्मली, जो ग्लू स्टिक है या कोई और ग्लू है, फेविकॉल है। फेविकॉल को तो नहीं यूज़ करना है क्योंकि फेविकॉल जो वो पक्का पक्का स्टिक कर देती है, लेकिन मैं ADX का यूज़ कर रही हूँ। इफ़ यू डोंट हैव ADX तो यू कैन यूज़ ग्लू स्टिक। नाउ फाइनली हमने सारे के ऊपर जो है ना ADX का यूज़ कर लिया है, और इसके बाद अच्छे तरीके से ऊपर रब कर लिया है। अब उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्टिकर शीट, क्योंकि ये जो होती है ना ग्लू वाटर प्रूफ होती है, ग्लू प्रूफ होती है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर जो है ना वो लगा रही हूँ। तो मैंने अभी इसके ऊपर जो है अच्छे तरीके से उसको स्टिक कर दिया है, और अभी जो है ना एक्स्ट्रा पार्ट उसको चलाइए जल्दी से कर लेते हैं कट। तो एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको मैं कर रही थी कट, तो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को कर लिया है कट। तो अब एक्स्ट्रा पार्ट को जब मैंने कट कर लिया है, नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट, चलाइए जल्दी से कर लेते हैं इसको टेस्ट। तो अभी जो है ना मैं इसको पहले तो आउटलाइन करके अच्छे तरीके से कट करूँगी। बिल्कुल आउटलाइनिंग के ऊपर से कट नहीं करना है आपको, नॉर्मली जो है ना इसके जो है ना कॉर्नर से एडजस्ट से इसको कट करना है। तो अभी हम इसको कट कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से कट करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से
कट करते हैं एंड नाउ इसको स्टिक करते हैं। तो मैंने उनको कट कर लिया है, नाउ चेक कि ये स्टिक होते भी हैं या नहीं। तो नाउ यानी कि हमारे स्टिकर जो है वो रेडी हो चुके हैं, लेट्स टाइम जो स्टिक। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कार्ड जो मैं नॉर्मली रेडी किया था फॉर अ बर्थडे या फिर हैप्पी फ्रेंडशिप डे, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए मैंने इसको यूज़ किया है एंड नाउ मैंने स्टिकर को स्टिक कर दिया। तो ये देखा इतना स्मूथली और इतने अच्छे तरीके से स्टिक हो चुका है। दोस्तों अगर आप लोग वैसे स्टिकर्स बनाते हैं तो बताइएगा कि आपसे कैसे बने हैं। तो अभी जो है मैं नॉर्मली रेड कलर का यूज़ करके लिख रही हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई डोंट नो कि आप लोग सब्सक्राइब करोगे भी या नहीं, बट प्लीज़ कर दीजिएगा। आई थिंक इट्स रिक्वेस्ट फॉर यू। और अगर आप लोगों को कोई और वीडियो चाहिए हो किसी क्राफ्ट से रिलेटेड, स्टेशनरी से रिलेटेड, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब इससे रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों को चैलेंज देती हूँ कि आप लोग प्लीज़ से कुछ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।